आखिर क्यों यूजीन मर्ले शूमेकर को वैज्ञानिकों ने चांद पर दफन कर दिया है? ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। यूजीन शूमेकर नासा में काम करने वाले एक माहिर और महान वैज्ञानिक थे, जो धरती से बाहर की दुनिया को खूब अच्छे से समझते थे और साथ ही साइंस की दुनिया में काफी सारे कंट्रीब्यूट कर चुके थे। इसलिए उनका हमेशा से एक सपना था कि धरती से बाहर अंतरिक्ष का सैर करेंगे। अमेरिका ने 1969 को जब इंसानों को चांद पर भेजने की तैयारी की, तो उन एस्ट्रोनॉट्स में एक यूजीन शूमेकर का नाम भी आया। मगर शूमेकर के फिजिकल टेस्टिंग के बाद ये पाया गया कि शूमेकर चांद तक का सफर करने के काबिल नहीं है। शूमेकर को भले ही चांद के सफर के लिए ना चुना गया था, पर शूमेकर चांद के वातावरण को खूब अच्छे से स्टडी किए थे, इसलिए शूमेकर को चांद पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट का ट्रेनर चुना गया और शूमेकर ने नील आर्मस्ट्रांग और उनके टीम के अलावा बहुत से एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग दी। शूमेकर अपना सपना के बारे में और भी साइंटिस्टों को बताया था, पर इनका सपना जीते जी कभी पूरा नहीं हो पाया। शूमेकर के मरने के बाद उनके जबरदस्त योगदान के सम्मान में शूमेकर के राख को लूनर प्रोस्पेक्टर अंतरिक्ष जांच द्वारा चंद्रमा पर ले जाया गया और राख को वहीं छोड़ दिया गया।